हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी हैव अ न्यू टॉपिक, दैट इज चाइल्ड लेबर, एंड द सब्जेक्ट इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हेनेवर आई यूज और हियर दीज वर्ड्स, आई फील गिल्टी एज अ ह्यूमन बीइंग। वी पास बाय सो मेनी चिल्ड्रन इंडल्जिंग इन सम वर्क और अदर एवरी डे। तो जब भी हम ऐसा शब्द सुनते हैं चाइल्ड लेबर, जब भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या हम गिल्टी फील करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग? हम रोज डेली ऐसे बच्चों के आसपास से गुजरते हैं या ऐसे बच्चे देखते हैं जो किसी न किसी काम में फंसे होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, आप कोई भीख मांगते हुए कभी किसी शॉप पे, किसी ढाबे पे, किसी कोई शू पॉलिश, तो रोज हम ऐसे ऐसे बच्चों को देखते हैं जो किसी न किसी काम में फंसा हुआ होता है। सम ऑफ अस हु वांट टू जस्टिफाई इट कम अप विद अ स्टेटमेंट दैट लाइक दे आर ओनली हेल्पिंग देयर पेरेंट्स इन ब्रिंगिंग इन अ स्टेबल इनकम। तो हम में से जो बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चे क्या है, अपने पेरेंट्स की सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, बट फैक्ट ये है कि वो क्या एक ब्लैक स्पॉट है ह्यूमैनिटी पे, एक काला धब्बा है कि जो हम हैं वो बच्चे को उसका एक सिक्योर, एक हैप्पी हेल्थी चाइल्डहुड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो चाइल्ड लेबर इज अ ग्लोबल फिनोमेना। चाइल्ड लेबर सिर्फ एक कंट्री या किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, ये हर जगह पूरे ग्लोबली फैला हुआ है। हर जगह ये चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इट एग्जिस्ट बोथ इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू विद डिफरेंस इन कॉज एंड मैग्नीट्यूड। तो ये हर जगह फैली हुई है, यानी जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे भी ऐसी प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर की, एंड जो ऑलरेडी कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी है वहां पे भी चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है। डिफरेंस ये हो सकता है कि उनके कारण अलग हो सकते हैं और उनकी क्षमता भी अलग हो सकती है। अ मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड वर्कफोर्स इज एन अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ चाइल्ड है वो उन सेक्टर में काम कर रहे हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, जैसे ढाबा हो गया या शू पॉलिशिंग हो गई, ये सारे अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर हैं। चिल्ड्रन आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर वर्क। तो कहाँ कहाँ बच्चे काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर वर्क में, खेतों में काम करते हैं, शू पॉलिश करते हैं, जूते पॉलिश करते हुए दिखाई देते हैं, न्यूज़पेपर वेंडर के यहाँ, दुकानों पे, रोड साइड के आसपास जो ढाबे हैं वहाँ पे काम करते हैं, और एज अ सर्वेंट भी, जो स्पेशली लड़कियाँ होती हैं, एज अ सर्वेंट भी दूसरों के घर में काम करती हैं। तो ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन आर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक संगठित क्षेत्र में बहुत कम बच्चे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? चाइल्ड लेबर में बी डिफाइन एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर एज इन गेनिंग ऑक्यूपेशन एट एक्सपेंस ऑफ देयर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाल श्रम को, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो उनके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग को रोकता है और उनके उनको ऐसे कामों में ढकेलता है जो उनको सोशली, मेंटली, फिजिकली क्या इफेक्ट यानी हार्म कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है, द टर्म चाइल्ड लेबर इज ऑफन डिफाइंड एज वर्क दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, देयर पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी। तो चाइल्ड लेबर एक ऐसा टर्म है जो ये डिफाइन करता है कि बच्चों को क्या उनके बचपन छीनता है, उनका चाइल्डहुड छीनता है, उनका पोटेंशियल छीनता है, उनकी डिग्निटी को छीन लेता है, एंड दैट इज हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ये उनके फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट दोनों के लिए ही बहुत ही घातक है, बहुत ही हानिकारक है। तो चाइल्ड लेबर के कॉज क्या है, क्यों है हो रहा है ये चाइल्ड लेबर, क्या है इसका रीजन? तो फर्स्ट इज पॉवर्टी, बहुत ज्यादा आम है ये, क्या है सबसे मेन कॉज है चाइल्ड लेबर को और बढ़ावा देने के लिए, पॉवर्टी यानी गरीबी, इट इज द मेन कॉजेटिव फैक्टर फॉर चाइल्ड लेबर। सबसे मेन कॉजेटिव फैक्टर क्या है, चाइल्ड लेबर है, सॉरी पॉवर्टी है। एवरी मेंबर्स मेनली फीमेल चिल्ड्रन आर विक्टिमाइज बाय पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। तो गरीबी से हर बंदा, फैमिली का हर इंसान क्या है, विक्टिमाइज होता है, हर फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है। तो जब मेनली विक्टिम बनती है वो फैमिली की महिला होती है, उनको एक तो पॉवर्टी के कारण घर के कामों में ढकेल दिया जाता है और फिर उनको एजुकेशन से भी दूर रखा जाता है, क्योंकि फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं हो पाती है कि वो पढ़ा सके। तो इसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है काम करने के लिए वो फीमेल को दी जाती है। सो द नीड टू सपोर्ट द फैमिली बाय एंगेजिंग इन वर्क स्पेशली एज हाउसहोल्ड सर्वेंट्स। तो वो क्या करती है, फैमिली वर्क में एंगेज हो जाती है, स्पेशली
नौकर वाले जो काम होते हैं, दूसरों के घर में हाउसहोल्ड वर्क्स होते हैं, अपने घर में हाउसहोल्ड वर्क होते हैं, वो उनमें इंगल्ज हो जाती है। ड्यू टू पॉवर्टी फैमिलीज आर फोर्स्ड टू सेंड चिल्ड्रन टू वर्क रेदर देन टू स्कूल। तो पॉवर्टी के कारण फैमिली क्या, वो भी फोर्स्ड, मतलब उनको भी ये लाचारी हो जाती है कि वो स्कूल भेजने की बजाय बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं। दे आर मेड टू वर्क टू इंक्रीज द इनकम ऑफ देयर पुअर फैमिलीज एट द अर्लीस्ट। तो उन बच्चों को ऐसा बना दिया जाता है कि वो बहुत ही कम उम्र में अपनी फैमिली की इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और पढ़ाई से हटके वो चाइल्ड लेबर में की ओर बढ़ने लग जाते हैं। दूसरा इसका रीजन क्या हो सकता है, लैक ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की, शिक्षक की शिक्षा का अभाव हो सकता है। इट इज एन अनदर कॉजेटिव फैक्टर फॉर चाइल्ड लेबर। द वर्स्ट सफर्स आर द पुअर फैमिलीज फॉर होम गेटिंग देयर चिल्ड्रन एजुकेटेड इज अ ड्रीम। तो ये भी एक मेन फैक्टर है चाइल्ड लेबर का। इसमें क्या है, इसमें जो पुअर फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चे को एजुकेशन देना उनको सिर्फ एक सपना ही रह जाता है, वो अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दे पाती हैं। समटाइम्स द लैक ऑफ अफोर्डेबल स्कूल फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन लीव्स देम इलिटरेट। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो फैमिली होती है वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। पुअर्टी के कारण, फैमिली पुअर होने के कारण अपने बच्चे की एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, और बच्चे क्या इलिटरेट या अनएजुकेटेड रह जाते हैं। चिल्ड्रन आर फोर्स टू लिव विदाउट स्टडिंग। फिर बच्चे क्या बिना पढ़ाई लिखाई के रह जाते हैं, ये लाचारी हो जाती है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। एंड समटाइम्स सच कंपल्शंस पुश देम इनटू अ ट्रैप ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। और पढ़ाई नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती है, तो फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बच्चे चाइल्ड लेबर में फंस जाते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ जागरूकता की कमी भी हो सकती है। द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स अमंग चिल्ड्रन हैव इनकरेज चाइल्ड लेबर। अनएजुकेटेड पेरेंट्स डू नॉट नो अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन देयर चिल्ड्रन। तो क्या है, अवेयरनेस के कारण भी बच्चे जो हैं उनको अपना हक नहीं पता चलता है कि उनका हक क्या है, और पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता है, नहीं उनको पता होता है कि बच्चों के अधिकार क्या हैं, जिसके कारण क्या है, वो अवेयरनेस के नहीं होने के कारण क्या, बच्चे अनएजुकेटेड रह जाते हैं या चाइल्ड लेबर में ढकेले जा चुके होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है, उनमें भी अवेयरनेस की कमी के कारण उनको ये नहीं पता होता है कि अगर बच्चे को उनके राइट्स को नहीं दिया जाए, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाए, और चाइल्ड लेबर के कारण उनके क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है, तो वो बहुत ही घातक होगा आगे अगर वो बच्चा चाइल्ड लेबर में घसीटता चला जाएगा। तो द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट गिव रूरल फैमिलीज अ कंपल्सिव बेसिस फॉर एंगेजिंग चाइल्ड इन वेरियस टास्क। तो इसमें क्या है, जो गरीबी और बेरोजगारी की स्थिति आती है, तो ये जो ग्रामीण परिवार होते हैं, रूरल फैमिलीज होती हैं, ये क्या है, अपने बच्चे को विभिन्न कार्य में, बहुत अलग अलग काम में फंसा देती हैं उनको, मतलब वो मजबूर हो जाते हैं ऐसे कामों में फंसने के लिए। सो सोशल बैकवर्डनेस, यानी सामाजिक पिछड़ापन। सोशल बैकवर्डनेस इज ऑल्सो रीजन फॉर द चाइल्ड लेबर इन इंडिया। सोशल बैकवर्डनेस, पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू रिसीव एन एजुकेशन। तो जो बच्चे जो सोशली बैकवर्ड होते हैं, समाज में पिछड़े हुए लोग होते हैं, फैमिली होती है, वो अपने बच्चे को एजुकेशन को रिसीव करने के लिए नहीं भेज पाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली देयर चिल्ड्रन आर ट्रैप्ड इन चाइल्ड लेबर। और फिर होना वही है कि एजुकेशन नहीं मिलेगी तो बच्चा चाइल्ड लेबर में अपने आप ही फंसता चला जाएगा। ड्यू टू इलिटरेसी मेनी टाइम्स पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन एंड स्कीम्स ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन। तो इलिटरेसी यानी पेरेंट्स भी अनएजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनकी फैमिलीज को नहीं पता होता है कि बहुत सारी ऐसे फ्री स्कीम्स हैं चाइल्ड के लिए, इंफॉर्मेशन है जो इनको फ्री में एजुकेशन दिला सकती हैं। तो ये क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण भी हो जाता है कि बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती है और वह चाइल्ड लेबर की ओर धकेलता चला जाता है। नेक्स्ट है सोशल प्रॉब्लम्स, यानी सामाजिक क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म आल्सो सपोर्ट चाइल्ड लेबर। इन मेनी फैमिलीज ड्यू टू अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, देयर इज नो अर्निंग एंड द चाइल्ड्स वेजेस आर द सोल मीन्स ऑफ फैमिलीज सस्टेंस। यानी बहुत सारे सोशली ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, सोशल में यानी फैमिलीज में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि
फैमिलीज के जो मेंबर है, जो मेन कमाने वाला मेंबर है, वो अल्कोहल रोज नशेड़ी हो सकता है, अल्कोहल का यूज करता है, ड्रग्स लेता है, कोई नशीली पदार्थ दवाइयां को यूज करता है, जिसके कारण क्या वो घर में कोई अर्निंग सोर्स नहीं रहता है। और फिर लास्ट में जो अर्निंग सोर्स, जो मेन अर्निंग सोर्स बनता है, वो एक बच्चा होता है, और फिर उसी की वजह से उसकी फैमिली क्या सर्वाइव कर पाती है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे का सिर्फ वही एक वेज होता है, वेजेस होता है अपनी फैमिली को अर्न करने के लिए, उसको सर्वाइव करवाने के लिए। तो यहाँ पे भी बच्चा क्या चाइल्ड लेबर की ओर बढ़ता चला जाता है। दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या है, नेचुरल डिजास्टर, यानी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं और चाइल्ड लेबर का कारण। आफ्टर नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट्स, डिजीज एंड डिसेबिलिटी और डेथ ऑफ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली मे लीड टू ब्रोकन फैमिलीज, ऑर्फेन चिल्ड्रन और स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, यानी प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया फैमिली में, किसी को डिजीज हो गई, डिसेबिलिटी हो गई यानी विकलांग हो गई, या किसी की डेथ हो गई, जो फैमिली में कमाने वाला इंसान है, उसको अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो इससे क्या है, पूरी फैमिली टूट जाती है, वो रोड पे आ जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, रोड पे चिल्ड्रन आ जाते हैं, जिसके कारण क्या सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और बच्चा जो है चाइल्ड लेबर की ओर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीडीनेस ऑफ एम्प्लॉयर्स। इन द ग्रीड ऑफ चीप लेबर, शॉपकीपर्स, कंपनीज एंड फैक्ट्री ओनर्स एम्प्लॉय चिल्ड्रन सो दैट दे हैव टू पे लेस टू देम, एंड इट अमाउंट्स ऑफ एम्प्लॉइंग चीप लेबर्स। तो कुछ ग्रीडीनेस, लालचपन के कारण जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो नियोक्ता होते हैं, यानी जो जॉब पे रखते हैं लोगों को, उनके लालच के कारण क्या है, वो बड़े लोगों को, अडल्ट को ना रख के छोटे बच्चे को काम पे रखते हैं, ताकि उन्हें उनसे काम भी निकलवाया जा सके उतना ही जितना बड़े लोग करते हैं, लेकिन जो इनको पैसे दिए जाए, उनको जो पे किया जाए वो आधा हो, तो उनको क्या है, उनका लालच आ जाता है, तो इसलिए वो बच्चों को काम पे रखते हैं, पैसे कम देते हैं, काम ज्यादा करवाते हैं, तो इसके कारण भी बच्चा क्या शिफ्ट हो जाता है चाइल्ड लेबर की ओर। शॉपकीपर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन मेक चिल्ड्रन वर्क एज मच एज दे डू टू द एल्डर वंस, पुट पे हाफ द वेजेस। इन द केस ऑफ चाइल्ड लेबर देयर इज अ लेस चांस फॉर थेफ्ट थेफ्ट ग्रीड एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी टू। तो जब इसका एक तो ये इनको फायदा होता है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, एक तो फायदा उनको ये होता है कि उन्हें काम उतना ही मिल रहा है, लेकिन पैसे भी हाथ देने पड़ रहे हैं, और इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि जो बच्चे हैं चोरी नहीं कर सकते हैं, उनको लालच नहीं होता है, यानी कोई और दुरुपयोग धन का या लालच वगैरह नहीं करते हैं, तो ये भी ओनर को फायदा हो जाता है। नेक्स्ट है फैमिली ट्रेडिशन, यानी पारिवारिक परंपरा। तो इन आवर सोसाइटी इट इज वेरी इजी टू गिव चाइल्ड लेबर द नेम ऑफ अ ट्रेडिशन और कस्टम इन मैनी फैमिलीज। तो ये सबसे आसान तरीका है चाइल्ड लेबर का नाम देने का, कि वो हमारी फैमिली का एक ट्रेडिशन है, कस्टम है, यानी हमारे पुरखों ने भी चाइल्ड लेबर किया है, तो हमारे बच्चे भी क्या चाइल्ड लेबर ही करेंगे। द कल्चर एंड ट्रेडिशन फैमिली वैल्यू प्ले देयर रोल इन इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया एट द वॉलेंट्री लेवल। तो यही उनकी जो सोच है, ये ट्रेडिशन, जो फैमिली का ट्रेडिशन है, वो इनको वैल्यू देने के चक्कर में क्या बच्चे को चाइल्ड लेबर की ओर शिफ्ट कर देते हैं। मैनी फैमिलीज बिलीव दैट अ गुड लाइफ इज नॉट देयर डेस्टिनी। बहुत सारी जो फैमिलीज हैं, उनके दिमाग में तो ये बैठा ही रहता है कि हमारी किस्मत में एक अच्छी लाइफ नहीं है। एंड द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द लेबर इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर अर्निंग एंड लाइवहुड। और ये जो उनकी परंपरा है चाइल्ड लेबर की, जो इनकी लेबर की जो इनकी परंपरा है, यही इनको आगे बढ़ाएगी, और इनको रहने का यही एक सोर्स है, अर्निंग का सिर्फ यही एक सोर्स है। तो ऐसी मेंटेलिटी के कारण भी बच्चा है चाइल्ड लेबर की ओर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़की और लड़की के बीच भेदभाव करना। तो इन अवर फैमिली इट इज अ बिटर ट्रूथ। इन अवर सोसाइटी क्या एक कड़वा सच है हमारी सोसाइटी में, हमारे मेनी पुअर फैमिलीज बिलीव दैट गर्ल्स आर वीकर एंड देयर इज नो इक्वल कंपैरिजन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो बहुत सारी गरीब जो फैमिलीज होती है, वो ये सोचती हैं कि जो लड़कियां हैं वो कमजोर है लड़कों के कंपैरिजन में, और दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं है लड़के और लड़कियों के बीच में, क्योंकि लड़कियों को लो माना जाता है, कम माना जाता है। कंसिडरिंग गर्ल्स वीकर देन बॉयज डिप्राइव्स देम ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन। तो लड़कियों को कम उनके दिमाग में ये होता है कि लड़कियां कमजोर है, और उसके कारण क्या जो लड़कियां होती है ना स्कूल जा पाती है ना अपने एजुकेशन को रिसीव कर पाती हैं।
लेबरर फैमिलीज गर्ल्स आर फाउंड टू एंगेज इन लेबर अलोन विद देयर पेरेंट्स। तो जो लेबरर फैमिलीज होती है उनकी फैमिलीज में यही होता है कि लड़की को एजुकेशन देने की जगह उनको अपने साथ ही काम में इंगेज कर लिया जाता है और ये चाइल्ड लेबर की ओर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है किडनैपिंग एंड बैगिंग गैंग्स, यानी अपहरण और भीख मांगने वाले गिरोह होते हैं, गैंग्स होते हैं, इनके कारण भी चाइल्ड लेबर बहुत ही आगे बढ़ता जा रहा है। देर आर सम क्रिमिनल्स इन द सोसाइटी हु किडनैप चिल्ड्रन एंड एंगेज देम एज चाइल्ड लेबर और बैगिंग फॉर देयर अर्निंग्स। तो बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं, ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो सोसाइटी से बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और उनको भीख मांगने के लिए मजबूर कर देते हैं, चाइल्ड लेबर की और उनको मजबूर कर देते हैं। इवन स्मॉल किड्स आर सीन इन लैप्स ऑफ सम बैगिंग गैंग्स टू लर पीपल टू डोनेट। और बहुत सारी जगह पे आपने कुछ लोगों की गोद में बच्चों को भी देखा होगा, ताकि वो बच्चों को इसलिए रखते हैं कि जो लोग हैं वो उनको डोनेट करें, उनको पैसे दें और उनको दया आ जाए बच्चों को देख के। तो दीज चिल्ड्रन में किडनैप्ड वन, तो इन बच्चों को क्या किडनैप करके और इनसे चाइल्ड लेबर या बैगिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट इज हेल्थ हजार्ड ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि बच्चों पे के हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है चाइल्ड लेबर के कारण। तो फर्स्ट इज फिजिकल हेल्थ हजार्ड, यानी शारीरिक स्वास्थ्य के खतरे क्या हो सकते हैं। द वर्किंग चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन सच एज डस्ट, स्मोक, लाइटिंग, रेडिएशन, अनसेफ एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। तो बच्चे का जो काम कर रहे होते हैं वो बहुत सारी एडवर्स एनवायरमेंट की कंडीशन में काम करते हैं, वहाँ क्या हो सकता है, डस्ट हो सकती है, धूल मिट्टी, स्मोक हो सकती है, वहाँ लाइटिंग हो सकती है, बहुत सारी रेज निकलती हैं, अनसेफ और कंडीशन भी बिल्कुल गंदी अनहाइजीनिक कंडीशन में वो काम कर रहे होते हैं। तो दीज कंडीशन है वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड में डेवलप अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम और इवन कैंसर। तो इन सारी कंडीशन के कारण क्या है, बच्चों की हेल्थ पे बहुत ही फिजिकल हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इन कंडीशन के कारण बच्चों को अस्थमा हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ तक कि स्किन का उनको कैंसर भी हो सकता है। तो बहुत ही घातक हो सकता है ये बच्चों की हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट ड्रग अब्यूज, ड्रग एडिक्शन, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज कॉमन अमंग चाइल्ड लेबर एज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन वेसिनिटी ऑफ देयर एडल्ट काउंटर पार्ट्स हु मे एडिक्ट्स। तो ये स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये जो चाइल्ड लेबर के बच्चे होते हैं उनमें बहुत आम बात हो जाती है, क्योंकि वो अपना बहुत ज्यादा से ज्यादा समय अपने ही बड़े लोगों के साथ स्पेंड करते हैं और जो उनके साथ जो बड़े लोग रह रहे हैं, जो उनके साथ बड़े लोग और काम कर रहे हैं, वो क्या एडिक्टेड होते हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई कोई भी एडिक्टिव एडिक्ट से एडिक्शन का यूज कर रहा है। तो उनको देख के बच्चे भी क्या है इसी चीज को करने लग जाते हैं और वो भी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के एडिक्शन हो जाते हैं। दिस एडिक्शन फर्दर डिट्रीएट देयर फिजिकल, मेंटल एंड वेल एज अ सोशल हेल्थ। तो ये जो एडिक्शन होती है ये इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को और भी ज्यादा खराब कर देती है। चाइल्ड में एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ क्राइम फॉर फाइंडिंग ड्रग्स आफ्टर एडिक्शन। तो अब बच्चों को एडिक्शन लग गई है तो अपने एडिक्शन को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए अब वो दूसरे क्राइम्स में भी एंटर कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बुरा असर डालती है बच्चों की हेल्थ पे। नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज। सो इंसिडेंट्स ऑफ इंजरी वाइल वर्किंग इज मच मोर हाई अमंग चाइल्ड लेबर एज अ कंपेयर टू देयर एडल्ट काउंटर पार्ट। तो बच्चों जो उनके साथ बड़े लोग काम कर रहे होते हैं उनमें हादसे कम होते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत जल्दी हादसा हो जाता है, कोई भी इंजरी, कोई भी एक्सीडेंट बच्चों के साथ बहुत जल्दी हो जाता है। द लीडिंग काउज ऑफ इंक्लूड लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि वो कोई भारी वजन उठा रहे हैं या कोई ग्लास या शार्प ऑब्जेक्ट से उनको कट लग गया है, इंजरी हो गई है, कहीं गिर गए हैं, स्लिप हो गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, तो इन्हीं मूवी किसी भी मशीन की वजह से, तो इन सारी चीजों की वजह से जो बच्चे का एक्सीडेंट क्या है बहुत ही जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज। वर्किंग चिल्ड्रन लिव इन अनहाइजीनिक एंड क्राउडेड प्लेस। तो जो काम करने वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादातर अनहाइजीनिक गंदी जगहों पर रहते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं। दे हैव लो इम्यूनिटी सो आर एट द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनकी इम्यूनिटी भी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है और जिसके कारण ये बहुत ही जल्दी इनको कम्युनिकेबल डिजीज फैल जाती है। कोई भी बीमारी जो फैल सकती है वो बहुत जल्दी फैल जाती है।
मेन कम्युनिकेबल डिजीज जो इनमें होती है वो कौन सी है? होती है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, हेपेटाइटिस, इट इज स्किन का इन्फेक्शन, डायरिया, ये सारी चीजें इनको बहुत जी जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो यानी यौन संचारित रोग कह सकते हैं इनको। वर्किंग चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू फिजिकल अब्यूज एंड सेक्सुअल अब्यूज, तो जो वर्किंग चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज यानी शारीरिक शोषण, उनका यौन शोषण अक्सर होता रहता है। ड्यू टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन दे मे गेट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सच एज सिफिलिस, गनोरिया, जोनाइटल हर्पेस, क्लमाइडिया इन्फेक्शन और इवन एचआईवी इन्फेक्शन। तो ऐसे ही इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन के कारण उन्हें सेक्सुअली यानी एसटीडीएस हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत ही जल्दी हो सकती है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, तो वर्किंग चिल्ड्रन नीड्स गुड न्यूट्रिशन डाइट ड्यू टू फिजिकल एक्सर्शन बट द गेट पुअर न्यूट्रिशन एंड समटाइम्स लेस अमाउंट। तो जो काम करने वाले बच्चे होते हैं उनको गुड न्यूट्रिशन की, अच्छे खाने पीने की जरूरत होती है, अच्छे डाइट की जरूरत होती है, लेकिन उनको क्या है एक पुअर डाइट मिलती है और उनको सही जितना अमाउंट में उनको खाना मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। इसके कारण क्या है उनको माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित का शिकार हो जाते हैं, जो उनकी नॉर्मल ग्रोथ होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है, वो इफेक्ट हो जाती है। चाइल्ड लेबर फ्रिक्वेंटली सफर फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीज, तो जो चाइल्ड लेबर होते हैं वो अक्सर ही डिफिशियंसी डिजीज से सफर कर रहे होते हैं, यानी किसी ना किसी उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। नेक्स्ट है पुअर साइको सोशल डेवलपमेंट यानी कि मनोसामाजिक विकास की कमी, तो रेस्ट्रिक्टेड सोशल इंटरेक्शन, लैक ऑफ प्ले और रिक्रिएशन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इटीसी हैव क्रिपलिंग इफेक्ट ऑन साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन। तो जो काम करने वाले बच्चे होते हैं ना वो खेल पाते हैं ना मनोरंजन कर पाते हैं और बहुत लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं काम, तो इसके कारण क्या उनका जो साइकल सोशल डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। और इसके कारण जो बच्चे होते हैं वो क्राइम में इंडल्ज हो जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं, स्मगलिंग करने लग जाते हैं और यहाँ तक कि सेक्सुअल ऑफेंस की, सेक्सुअल क्राइम्स को भी की ओर भी बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि उनका साइको सोशल डेवलपमेंट बहुत ही पुअर होता है। नाउ मेजर टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम हजार्ड्स ऑफ चाइल्ड लेबर, तो क्या करना चाहिए हमें कि बच्चे चाइल्ड लेबर की ओर ना जा पाए? सो फर्स्ट इज कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो चाइल्ड लेबर से बच्चों को बचाएगा, यानी ये संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों को चाइल्ड लेबर से दूर किया जाए। सो ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ चाइल्ड लेबर देयर इज नो वन स्ट्रेटजी दैट कैन बी यूज टू एलिमिनेट इट, तो कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है जो कि चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो यहाँ कम्बैटिंग चाइल्ड लेबर रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेटेड एक्शन विच इन्वॉल्व मेनी स्टेक होल्डर एंड गवर्नमेंट, तो चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए एक लॉन्ग टर्म हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, हमें सबका साथ मिलके, स्टेक होल्डर एंड गवर्नमेंट सबको साथ मिलके ही इसका हम दूर कर सकते हैं चाइल्ड लेबर को। दिस इंक्लूड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मास मीडिया, एनजीओस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयज, तो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, मास मीडियाज हैं, एनजीओज हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं और ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स हैं, इन सबको एक साथ मिलके ही, इन सबकी हेल्प से ही हम चाइल्ड लेबर को खत्म कर सकते हैं। नाउ चेंज इन सोशल एटीट्यूड, क्या सोशल एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए, यानी सामाजिक दृष्टिकोण में क्या बदलाव होना चाहिए? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ डेज द एटीट्यूड्स एंड माइंड सेट ऑफ अ पीपल आर चेंज, दे हायर चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग अडल्ट जस्ट फॉर चीप लेबर। तो आजकल माइंड सेट ये है, हो गया है कि हम बच्चों को काम पे रखेंगे क्योंकि उनको पैसा भी कम देना पड़ता है और उनको क्या काम भी ज्यादा करवाया जाता है, तो वो अडल्ट को काम पे नहीं रखते हैं। तो ऐसी माइंड सेट को खत्म करना चाहिए, इस ऐसे एटीट्यूड को एलिमिनेट करना चाहिए। दिस एटीट्यूड शुड बी चेंज, सोसाइटी मस्ट अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड अलाउ ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल एंड हैव द चांस टू लर्न, प्ले एंड सोशलाइज। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जो बच्चे हैं हमारे आने वाला फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, वही हमारे देश को आगे चलाएंगे, तो उनको अलाउ करना चाहिए कि वे स्कूल जाएं, अच्छे एजुकेशन लें,
खेले कूदे पढ़े सोशलाइज हो और उनकी मेंटल फिजिकल सोशल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तो यहाँ पे हमें माइंडसेट सोशल माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट है एजुकेशन रिफॉर्मर्स। नाउ एजुकेशन इज अ की प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर एंड हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड टू रिड्यूस चाइल्ड वर्कर्स इन इंडिया। तो यहाँ क्या है, शिक्षा में सुधार होना चाहिए जिसके कारण क्या है, हम चाइल्ड लेबर को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड है ये चाइल्ड लेबर को रिड्यूस करने का। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिंग एजुकेशन एक्सेस टू स्कूलिंग। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मूविंग द क्वालिटी, एक अच्छी एजुकेशन, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकते हैं, स्कीम्स बता सकते हैं बच्चों को, ऐसे हम स्कूल के ऐसे रिसोर्सेस का यूज कर सकते हैं जिससे बच्चे क्या है स्कूल आने में, स्कूल उनको स्कूल अपनी ओर उनको खींचा जाए ताकि वो स्कूल आने के लिए मजबूर हो जाए। तो वहाँ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करने चाहिए, स्कूलों में हिंसा से को संबोधित करना चाहिए और प्रशासनिक व्यवसाय देना चाहिए, प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और जो भी व्यवसाय स्कूल में है वो क्या, जितने भी चाइल्ड लेबर बच्चे हैं उनको वापस करने लाने में शामिल करना चाहिए। तो यहाँ एजुकेशन को यानी शिक्षा को क्या रिफॉर्म करना चाहिए, यानी उसमें कुछ सुधार करना चाहिए जिससे कि चाइल्ड लेबर के बच्चे हैं वो स्कूल को और आकर्षित हों। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग अवेयरनेस, यानी जागरूकता को फैलाना चाहिए। तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं चाइल्ड लेबर को। द पेरेंटियल अवेयरनेस ऑफ द इविल ऑफ चाइल्ड लेबर कैन प्रिवेंट डिसरप्शन इन द स्कूलिंग पुशिंग ऑफ चिल्ड्रन इनटू लेबर। तो अगर पेरेंट्स को चाइल्ड लेबर के प्रति अगर उनको जागरूकता होगी, उनको पता चलेगा कि चाइल्ड लेबर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इससे क्या होगा, वो अपने बच्चे को समझाएंगे और बच्चे क्या स्कूल की ओर आने लगेंगे, स्कूल की ओर वो पुश होंगे। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स क्रिएट सिचुएशन वेयर ट्रैफिकर प्रे अपॉन चिल्ड्रन में ट्रैफिक ट्रैफिक्ड चिल्ड्रन एंड अप इन चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं उनमें समझने की कमी होती है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने के कारण, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण क्या है, जो तस्कर्स होते हैं वो बच्चों को क्या अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और फिर बच्चे क्या चाइल्ड लेबर में फंस जाते हैं। सो अवेयर कम्युनिटीज कैन कम्प्रिहेंड एंड रिस्पॉन्ड टू चिल्ड्रन इश्यूज मच मोर इफेक्टिवली। तो कम्युनिटी में जितनी अवेयरनेस होगी तो बच्चे क्या है उतने ज्यादा बच्चों के जो इश्यूज हैं वो उतने ज्यादा उनको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और उनके इश्यूज को हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। नेक्स्ट है लीगल प्रोटेक्शन। सो कानूनी सुरक्षा क्या है, यहाँ देर आर वेरियस लॉज विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाते हैं। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड एक्ट 1986 बैन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन मेनी प्रोफेशन। तो यहाँ पे एक्ट है 1986 के तहत क्या है, जो बच्चे 14 साल से कम है उनके बहुत सारे काम में उनको मना किया जाता है, बैन है ये कि उनको ये काम नहीं करना है। यहाँ पे डोमेस्टिक लेबर हो गया, हॉस्पिटैलिटी ट्रेड हो गया, जैसे रोड साइड ढाबाज हो गया, रेस्टोरेंट, होटल एंड स्पास, तो इन सारी जगह पे जाना उनको बैन है, यहाँ पे काम करना बैन है 1986 तहत, 1986 एक्ट के तहत 14 साल के बच्चों को इस जगह पे काम करना बैन है। नाउ बी द अंडर द कन्वेक्शन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड, यानी सीआरसी के तहत, यानी कन्वेक्शन ऑन द चाइल्ड ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड के तहत क्या है, रेटिफाइड बाय इंडिया इन 1992 ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वर्क दैट इज डेंजरस। तो ये 1992 में आया था और इसके तहत क्या है, बच्चों को ऐसा हक है कि वो जो डेंजरस प्लेस है वहां से उनको बचा वो बच सके, वहां से उन्हें बचाया जा सके, और दैट में माइट हार्म चिल्ड्रन हेल्थ और एजुकेशन, जो कि बच्चों की हेल्थ पे एजुकेशन पे हार्म कर सकते हैं। दिस इज द राइट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स हैव द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत क्या है, 2009 के तहत ये है कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको ये राइट है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ले सके, यानी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और उनको ये लेना, एजुकेशन जो है कंपल्सरी है। तो इन लॉस का यूज करके भी चाइल्ड लेबर को खत्म किया जा सकता है। सो गाइज, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट
कमेंट करें, शेयर करें एंड YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।